हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम शिमला मिर्च कीमा बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने एक कुकर में 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है, रिफाइंड ऑयल, और इसमें हमने ऐसे स्लाइस किए हुए अनियन डाले, पूरे पूरे अनियन जैसे स्लाइस करते हैं सैलड के लिए वैसे ही। एक पूरी प्याज को हमने ऐसे स्लाइस करके डाल लिया। इसको 2-3 मिनट सौते करेंगे, हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सौते करना है, जैसे चाइनीज़ फूड में सौते करते हैं सब्जियों को वैसे ही। एक दो मिनट में ये सौते हो गई, तो अब हम इसमें शिमला मिर्च भी वैसे ही गोल स्लाइसेस काटे हैं हमने, मोटे मोटे थोड़े और गोल स्लाइसेस, पूरी पूरी शिमला मिर्च की। हमने इसमें 2 शिमला मिर्ची डाली हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो 3 भी डाल सकते हैं। इनको भी हमने 5 मिनट सौते किया, 5 से 10 मिनट हल्की आँच पर, और इसको प्याज को शिमला मिर्च को बाहर निकाल लिया, तेज़ आंच पर 5 मिनट सौते करें शिमला मिर्च, और लो हीट है तो 10 मिनट। अब हमने इसमें फ्रीज़ किया हुआ, मेरे पास मटन मिंस है 250 ग्राम, 250 ग्राम मैंने वो इसमें डाल दिया है। इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन छोटे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, मेरे कीमे में सॉल्ट था थोड़ा इसलिए कम डाला, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। थोड़ा सा पानी डालकर इसे भूनें, अच्छी तरह से भुन जाए कीमा। और डिफ्रॉस्ट भी हो जाए कि इसकी बर्फ़ भी निकल जाए कि, और कीमा भुन भी जाएगा उसी में। अच्छी तरह से भुन गया, पानी भी ऑलमोस्ट सूख गया है। अब हम इसमें प्याज और शिमला मिर्च जो हमने फ्राई करके रखी थी वो डाल देंगे, और बस डालकर इसको 1 सीटी लगाना है। आप चाहें तो खुले में भी पका सकते हैं, नहीं तो सीटी लगा देंगे तो कीमा भी अच्छे से गल जाएगा और प्याज शिमला मिर्च में भी कीमे का टेस्ट आ जाएगा। 1 सीटी लगाकर हमारा कीमा तैयार है।